लाइव तुम्हारे को कॉल करो, नंबर दे देता, तुम कॉल करे तो तुम्हारी अम्मी का नाम, तुम्हारे बाबा का नाम, तुम्हारी पैदाइश पूछ के, तुम्हारे को ये होता वो होता, तुम्हारी घर की बंदिश करता हूँ, तुम्हारी ये बंदिश कर देता हूँ, तुम ये पढ़ो इतनी मर्तबा, वो पढ़ो उतनी मर्तबा, बोलता नहीं बोलता? देखिए आप लोग यूट्यूब पर भी बताते बहुत सारे लोग, ये इतनी मरतबा पढ़ो, वो उतनी मरतबा पढ़ो, और यूट्यूब पे बताने वाले तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते, रिश्ता नहीं आ रहा। मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन सवालों में जो आता ना, ये चाहता मौल साहब रिश्ता नहीं आ रहा हमारी बच्ची को, कुछ तो भी अजकार है तो बता दो। परसों रिसेंटली तो एक काल आया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे सवाल करते, मेरा आशिक मेरे से मोहब्बत नहीं कर रहा, कुछ तो भी अजकार है तो बता दो गते सवाल। हाँ, खूबसूरत, मेरी खूबसूरती बढ़ने के लिए क्या करना, आस्कार कुछ तो भी मिलते क्या? बालां लंबे होने के भी आस्कार बता रहे लोग यूट्यूब पे, मेरे बाल लंबे होना ये इतने मर्तबा आस्कार पढ़ो। हाँ, शादी का रिश्ता जल्दी आना, गोरे हो जाना, आज तक काले हुए, सुनो गोरे हो गए तो फिर दुनिया में कोई काले नहीं रहते थे। अगर ऐसी कोई आस्कार, ऐसी कोई दुआ या ऐसी कोई बाबा अगर कोई होते जिनके पास जाने से सब गोरे होते तो आज टेंशन ही नहीं था फिर शादियों में, सब गोरे ज रहते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसे कैसे अस्कार, कैसी कैसी दुआएं, लंबा खत होता, मैं छोटे खत की हूँ, लंबा खत होने के लिए कोई अस्कार करते। हाँ, ये भी कोई तरीका है कुछ? और वो बताने वाले भी मस्त, पैसे लूटने के लिए क्या भी बता देते आपको अस्कार, ये सब झूठी अस्कार है, ये सब झूठी बात है। और अक्सर लोग ये बोलते कि मेरा शोहर बिगड़ गया या नहीं तो मेरे बच्चे बिगड़ गए, मौल साहब कुछ तो भी अस्कार, कुछ तो भी दुआ रहे तो बता दो, उन्हें सुधर जाना। क्या है ये कुरान या क्या है ये दीन, ये कोई जादू है, ये कोई मंत्र है, क्या समझ रहे हैं इसको? खाली यूं फूंकते जो उन्हें सुधर जाना बोले तो फिर दुनिया में गुनाह करने वाला बाकी कहाँ रहता था? अगर ऐसी दुआएं ऐसी अस्कार होता, उन्हें शराब खाने जा रहा है ऐसा पकड़ के थूक बोल के थूके तो उन्हें इधर आ जाता, इधर थूक दिए तो इधर, अब ऐसा अगर होता तो फिर सास बहू शोहर क्या क्या हो जाता था फिर। हाँ, शादी होते बेगम खाली फूंक देती थी, उन्हें इसकी अम्मी अम्मा की शक्ल नहीं देखता था, शादी से पहले तो अगर अम्मा फूंक दिए तो उन्हें बीवी की शक्ल नहीं देखता था, क्या क्या हो जाता था आज बोलो। हाँ, अल्लाह हू अकबर, क्या समझ लिया आज, दीन को मजाक समझ लिया, इन्हें नहीं बात कर रहा, इन्हें मोहब्बत नहीं कर रहा, इन्हें बिगड़ गया, इन्हें शराबी बन गया। हाँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इन्हें घूम गया, इन्हें भाग गया, उन्हें भाग गए उन्हें कहाँ मिलना बताओ इतिहास का, औज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे। अरे अमल कितने बुरे हैं ये नहीं देखते, पहले क्या क्या चल रहा है ये नहीं देखते। एक औरत रो रही थी फोन करके, मेरा शोहर मेरी बहन को लेके भाग गया, मौल साहब क्या करना, कुछ तो भी दुआ है तो बताओ कहते, पहले नहीं देखने आता, जा भाईजान है, जीजू है, जा जा जीजू, जीजू के साथ बाइक पे घुमाए, भाईजान के साथ फिल्म थिएटर को घुमाए, क्या क्या करे, जीजू के साथ भाग गई, अब रोते हुए बैठी उन्हें, उस बड़ी मजाक लग रहा है, बड़ी तकलीफ होती है ये बातें सुने। शरीयत एक पर्दा दिया, एक निज़ाम दिया, एक तरीका दिया किसके साथ कौन से हुदूद में रहना, नहीं 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 हमारे बड़े पहले से ऐसा करे, ऐसा करे तो उन्हें भी ऐसा करता फिर। अब इनको जब याद आता दुआएं मंत्र होना, इनको फूंक देना होना, अस्कार हो जाना, खाली फूंकते चुने इधर आ जाना, फूंकते चुधर चले जाना,